हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक मधुकर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है Vivo V25 और Vivo T1 Pro। फ्रेंड्स, आज हम इन दोनों ही फोन का फुल कैमरा कंपैरिजन करेंगे और कैमरे सेटअप की अगर बात करूं बैक में, दोस्तों आपको सिमिलर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा दोनों ही डिवाइस के अंदर। फर्स्ट 64 मेगापिक्सल कैमरा एंड सेकंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन Vivo V25 में आपको OIS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। किस तरीके से वर्क कर रहा है तो दोस्तों आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर फ्रंट अगर फेसिंग कैमरे की बात करें तो Vivo V25 के अंदर दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा और T1 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को फ्रेंड्स हम करते हैं स्टार्ट। और चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, ये एक वीडियो है जो कि मैं 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है और अभी आप देख सकते हैं दोनों ही डिवाइस के अंदर आपको कलर्स किस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ देखो, अभी मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया और वॉकिंग पर आप साफ साफ देख सकते हैं Vivo V25 में आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा स्मोगी टाइप का आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, जबकि T1 Pro में आपको क्लियरिटी थोड़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है। अभी मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं Vivo V25 के अंदर थोड़ी बेटर आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं एक और वीडियो जो कि मैं 1080p 30 FPS पे शूट कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग्स मैंने दोस्तों लगा दिए है। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैं नॉर्मली क्या वॉक कर रहा हूं और ट्रैक को आप देख सकते हैं कि Vivo V25 में आपको थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया और रनिंग पर आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर स्टेबिलिटी आपको सिमिलर टाइप देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं अब इसका हम ऑटो फोकस चेक कर लेते हैं तो ऑटो फोकस में तो ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। बाकी अगर देखो कलर्स की अगर बात करें तो T1 Pro के अंदर थोड़े से नेचुरल हमें कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन 1080p 30 FPS पर T1 Pro थोड़ा लाइटिंग को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा। और वहीं दोनों ही फोन से दोस्तों पिक्चर मैंने कैप्चर की है Vivo V25 में, देख सकते हैं इसने थोड़ा सा सैचुरेटेड कर दिया, लेकिन हाँ कलर्स आपको थोड़े बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, डिटेल्स थोड़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है, जबकि T1 Pro ने काफी ज्यादा एक तरीके से सैचुरेटेड कर दिया है। इसी के साथ साथ ये एक और पिक्चर है, इसमें भी आपको Vivo V25 का रिजल्ट थोड़ा बेटर देखने के लिए मिल जाता है। और T1 की क्या है, हर पिक्चर्स में देखो आप, इस वाली पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब व्हाइटनेस को ऐड कर रहा है, यानी कि एक्सपोजर थोड़ा सा दोस्तों ये हाई कर रहा है, कूल टोन आपको देखने के लिए मिल रही है, जबकि Vivo V25 थोड़ी आपको बेटर दोस्तों पिक्चर प्रोवाइड करा रहा है। और गाइज, ये ह्यूमन सब्जेक्ट का रिजल्ट है Vivo V25 में, आप देख सकते हैं टी शर्ट फेस आपको क्लियरिटी थोड़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज कर रहा है, जबकि T1 Pro के अंदर आप देख सकते हैं इसने फेस को टी शर्ट को काफी एक तरीके से डल कर दिया, थोड़ी कूल टाइप की टोन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन अगर बैकग्राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं इसने थोड़ा सा हमें बेटर डिटेल्स प्रोवाइड कराई है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर पिक्चर्स की बात करें तो Vivo V25 की कहीं ना कहीं बेटर आई है फ्रेंड्स। और वहीं इन दोनों ही फोन का पोर्ट्रेट मोड है तो Vivo V25 में आप साफ साफ देख सकते हैं इसकी फेस की और टी शर्ट की डिटेल्स आपको बेटर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन फेस की टोन की अगर बात करें तो इसमें आपको रेडिश या येलोपन आपको साफ साफ देखने के लिए मिल जाता है, जबकि T1 Pro के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें आपको थोड़ी कूल टोन देखने के लिए मिल जाती है और पोर्ट्रेट्स भी आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये क्रिटिकल सिचुएशन है, किसी को V25 पसंद आ रही होगी और किसी को T1 Pro पसंद आ रही होगी, तो दोनों में से आपको कौन सी पिक्चर्स बेटर लग रही है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और वहीं एक और पिक्चर है जो कि सन के एकदम मैंने अगेंस्ट कैप्चर की है और डायनामिक रेंज आप साफ साफ देख सकते हैं Vivo V25 में आपको थोड़ी बेटर आपको देखने के लिए मिल जाती है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर फेस और कलर टोन की बात करें तो Vivo V25 थोड़ा बेटर आपको प्रोवाइड करा रहा है, जबकि T1 Pro के अंदर आप देख सकते हैं इसने एक तरीके से कूल टोन कर दी है, यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने धूप में पिक्चर कैप्चर कर रखी है। इसी के साथ साथ ये दोनों ही फोन का दोस्तों पोर्ट्रेट मोड है तो पोर्ट्रेट मोड Vivo V25 में आपको थोड़ा बेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जबकि T1 Pro में अगेन आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है कि कूल टोन इसने प्रोवाइड करा दी है और डिटेल्स भी इतनी बेटर आपको देखने के लिए नहीं मिली। और वहीं इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज आपको किसमें बेटर देखने के लिए मिल जाती है, तो Vivo V25 में आपको थोड़ी बेटर डायनेमिक रेंज आपको देखने के लिए मिल जाती है, जबकि T1 Pro के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें आपको काफी ज्यादा स्मोगीपन देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ इन दोनों ही फोन के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, तो एक नॉर्मल पिक्चर है
और ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ। तो अल्ट्रा वाइड एंगल में आप साफ साफ देख सकते हो Vivo V25 का रिजल्ट थोड़ा सा आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है, यानी डिटेल्स इसमें थोड़ी बेटर आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ इन दोनों ही फोन के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरास देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो मैक्रो कैमरा का रिजल्ट कई मतलब मोस्टली यूट्यूबर्स ने दिखाना बंद कर दिया, लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा दिखाता रहूंगा तो आप क्लियरिटी देख सकते हैं। Vivo V25 के अंदर आपको मैक्रो के अंदर थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है, जबकि T1 Pro के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं इसके अंदर आपको इतनी बेटर डिटेल्स नहीं मिलती फ्रेंड्स। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ लो लाइट कंडीशन में और Vivo V25 से 4K 30fps पे वीडियो शूट हो रही है और Vivo T1 Pro से 1080p 30fps पे वीडियो शूट हो रही है। और पार्क में मैं हूँ और यहाँ एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, क्वालिटी आप देख सकते हैं। बाकी T1 Pro की क्वालिटी आपको बेटर देखने के लिए मिल जाती है, नॉइस थोड़ी सी कम कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोनों में से आपको फ्रंट वाला कैमरा किसका बेस्ट लगा फ्रेंड्स। और वहीं इन दोनों ही फोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा लो लाइट कंडीशन में Vivo V25 आप देख सकते हैं साफ साफ इसका कैमरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाइड है, जबकि T1 Pro का कैमरा इतना वाइड नहीं आपको देखने के लिए मिलता। लेकिन अगर डिटेल्स की बात करें तो T1 Pro में आपको थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ ये इन दोनों ही फोन का पोर्ट्रेट्स मोड है, तो पोर्ट्रेट्स मोड आपको एज डिटेक्शन दोनों ही फोन में आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर देखो डिटेल्स की अगर बात करें तो अगेन दोस्तों मुझे T1 Pro का कैमरा थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि दोनों में से आपको कौन सी पिक्चर्स बेटर लगी फ्रेंड। और इसी के साथ साथ ये एक और पिक्चर है जो कि स्ट्रीट लाइट ठीक मेरे फेस पर लगी हुई थी, इसमें भी आप देख सकते हैं नॉर्मल पिक्चर के अंदर Vivo V25 में आपको थोड़ी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिल रही है। और ये पोर्ट्रेट्स मोड के साथ है तो पोर्ट्रेट्स मोड में भी आप साफ साफ देख सकते हैं T1 Pro कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहा है फ्रेंड्स। गाइज ये इन दोनों ही फोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा Vivo V25 से 4K 30fps पे वीडियो शूट हो रही है और Vivo T1 Pro से 1080p 30fps तक ही इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। Vivo V25 थोड़ा सा वाइड है और इसमें आपको एक नेचुरल टोन देखने के लिए मिल जाती है, जबकि T1 Pro आप देख सकते हैं इतना वाइड नहीं है और इतनी बेटर आपको कलर टोन देखने के लिए नहीं मिलती। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि दोनों में से फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको किसका बेटर लगा वीडियो के अंदर फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये कुछ पिक्चर्स हैं आप देख सकते हैं और ये दोनों ही फोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा Vivo V25 के अंदर आपको थोड़ी सी बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है फेस में, जबकि T1 Pro में आप देख सकते हैं इसमें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्मोकी टाइप का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। इसी के साथ साथ ये इन दोनों ही फोन का पोर्ट्रेट्स मोड है, तो पोर्ट्रेट्स मोड में आप देख सकते हैं Vivo V25 में फेस में आप देख सकते हैं डिटेल्स थोड़ी देखने के लिए मिल जाती है, जबकि T1 Pro के अंदर आपको क्लियरिटी तो बहुत ज्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसमें फेस को क्या थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। लेकिन अगर पिक्चर्स की बात करें तो आपको T1 Pro की पिक्चर्स दोस्तों बेटर लग रही होगी। और वहीं ये एक और पिक्चर है जो कि सन के एकदम मैंने अगेंस्ट कैप्चर की थी Vivo V25 में, आप देख सकते हैं इसने लाइटिंग को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, जबकि T1 Pro के अंदर आप देख सकते हैं मेरे फोरहेड पे कितनी लाइटिंग पड़ रही है उसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। इसी के साथ साथ दोस्तों ये इनका पोर्ट्रेट्स मोड है, तो पोर्ट्रेट्स मोड में भी आपको सेम कंडीशन देखने के लिए मिल जाते हैं। Vivo V25 का दोस्तों डिटेल्स थोड़ा सा बेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एक वीडियो है जो कि मैंने लो लाइट कंडीशन के अंदर कैप्चर किया है और साफ साफ देख सकते हैं Vivo V25 के अंदर आपको डिटेल्स थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिल जाती है, नॉइस रिडक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आपको दोस्तों कौन सी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों लो लाइट कंडीशन में आप मुझे दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना। और इसी के साथ साथ मैंने लो लाइट कंडीशन में कुछ पिक्चर्स भी कैप्चर की, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा दोस्तों, हाँ स्ट्रीट लाइट एक लगी हुई है लेकिन जहां की दोस्तों मैं फोटो ले रहा हूं वहां एकदम अंधेरा है और रिजल्ट आप देख सकते दोनों में ही आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ साथ देखो ये एक और पिक्चर मैं कैप्चर करूंगा और यहां पर भी आप देख सकते हैं अंधेरा काफी ज्यादा है। और एक पिक्चर दोस्तों यहां की भी हम कैप्चर कर लेते हैं, ये मैंने दोस्तों कैप्चर कर दिया और रिजल्ट दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों ही पिक्चर्स में आपको थोड़ी लाइटिंग दोस्तों इनहेंस देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन देखो इसमें अगर डिटेल्स की बात करें तो T1 Pro के अंदर थोड़ी आपको बेटर डिटेल्स देखने के लिए मिली है। इसी के साथ साथ ये एक और पिक्चर है, तो यहां आप साफ साफ देख सकते हैं स्काई और कलर्स आप देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं Vivo V25 में आपको थोड़ी बेटर देखने के लिए मिल जाती है फ्रेंड्स। और ये ह्यूमन सब्जेक्ट का रिजल्ट है और इसमें दोस्तों दोनों ही पिक्चर्स अपनी अपनी जगह दोस्तों बेटर परफॉर्म कर रही हैं। और वहीं अगर थोड़ा सा और लो लाइट कंडीशन में अगर जाते हैं तो Vivo V25 का रिजल्ट थोड़ा आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है। Vivo T1 Pro में आप साफ साफ देख सकते हैं इसने काफी ज्यादा एक तरीके से डार्क कर दिया है फेस। इसी के साथ साथ ये इन दोनों ही फोन का पोर्ट्रेट्स मोड
है, तो पोर्ट्रेट्स नो डाउट दोस्तों दोनों में ही आपको बेटर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये आपको वीडियो फ्रेंड्स अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।